सवाल एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखिए, अगर आपका नेट स्लो है एंड आपके आसपास टावर नहीं है या इतना स्पीड इंटरनेट नहीं है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ सेटिंग के बारे में। अगर वो सेटिंग आप करते हो तो आपका नेट इतना ज़्यादा स्पीड नहीं होगा, बट जितना भी स्पीड होगा आप यहाँ पर यूट्यूब चला सकते हो, व्हाट्सअप चला सकते हो, जो भी फेसबुक चला सकते हो। जित यहाँ पे थोड़ा बहुत तो आपका स्पीड यहाँ पे हो जाएगा। कुछ सेटिंग आपको यहाँ पे करना है एंड ये डेफिनेटली एक वर्किंग है, वर्किंग करता है। मैं खुद भी टेस्ट किया हूँ, इसलिए आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे क्या क्या करना है। एंड नॉर्मली आपको FPN में सेट कुछ चेंजेस वगैरह करना है, सब कुछ चेंजेस वगैरह नहीं करना है, जो कुछ कुछ बेसिक वहाँ पे चेंज करना है वो आपको मैं कह दूँगा। बस उसको अगर आप चेंज करते हो एंड चेंज करने के बाद आपका आपका जो फ़ोन है उसको आपको बस रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपका पहले जो इंटरनेट जितना स्पीड था यहाँ पे काफ़ी, जितना मतलब नॉर्मल जो स्पीड वगैरह था, नहीं चल रहा था, स्लो था, तो काफ़ी स्पीड यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जियो के लिए है, जियो FPN के बारे में। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको FPN में जाना है। एंड अगर आपको मालूम नहीं है FPN कहाँ पे है, तो फ़ोन पे नेटवर्क के सेटिंग में आपको जाना है। देन आपको एक मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च में डायरेक्ट भी FPN में आप आ सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो FPN यहाँ पे कहाँ कहाँ है। देन FPN के आने के बाद मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा ओपन करके आपको यहाँ पे बताता हूँ कि क्या क्या आपको यहाँ पे चेंजेस करना है। देखिए, FPN आ चुका है। FPN आने के बाद उसमें ऊपर एक प्लस का आइकन है, उसमें आपको क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद आपको नेम वगैरह, FPN वगैरह, प्रॉक्सी पोर्ट, यूजर नेम, ये बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बट सब कुछ यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो नेम है वहाँ पे आपका जियो, अगर 4G है तो जियो 4G फास्ट इंटरनेट लिखना है। अगर 5G है तो जियो 5G यहाँ पे फास्ट इंटरनेट आपको यहाँ पे लिखना है। देन आपको पूरा लास्ट में जाना है। लास्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे और कुछ पासवर्ड वगैरह चेंज नहीं करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक ऑथेंटिकेशन टाइप है, एंड ऑथेंटिकेशन टाइप को आप PAP और CHAP में यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपको FPN प्रोटोकॉल में चेंज करना है, जो यहाँ पे IPv4/IPv6 वो चेंज करना है। एंड यहाँ पे आप एक बियरर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। बियरर का ऑप्शन में आपको ऑन स्पेसिफाइड जो है उसको ऑन टिक कर देना है। देन LTE, HS, PAP, HSPA, HSUPA, ये पूरा GPRS तक आपको यहाँ पे टिक करना है। और यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आपका फ़ोन बस स्विच ऑफ कर दो, देन 5 मिनट के बाद देखो, डेफिनेटली आपका यहाँ पे इंटरनेट काफ़ी स्पीड हो जाएगा।